एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से चलता है नॉर्थ की तरफ फ्लाई करता हुआ विद अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। क्या करेंगे? क्यों? एक किस साइड गया है? नॉर्थ की तरफ और दूसरा वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ और वेस्ट में क्या एंगल बनते हैं? ये नॉर्थ है आपका, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये हम सेंटर पॉइंट की यहाँ से फ्लाई किया, एयरपोर्ट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ गया। हमने क्या निकालना है? हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स बी। मान लो एक प्लेन यहाँ पे है डेढ़ घंटे के बाद, एक यहाँ है, तो दिस डिस्टेंस वी आर टू फाइंड आउट। ठीक है, गिवन किन दोनों को प्लस करोगे? आपको क्या गिवन है? पहले वाले की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड कितनी गिवन है? 1200 किलोमीटर पर आवर। हमने हमें जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 आवर हम निकाल देंगे। ठीक है, पहले वाले प्लेन का डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 1000 किलोमीटर। तो 1.5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 1000 × 3/2, यानी कि 1500 किलोमीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस आपका 1500 किलोमीटर। सेकंड वाले के लिए स्पीड कितनी गिवन है? 1200। 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है 1200 किलोमीटर, तो 3/2 आवर में कितना ट्रेवल करेगा? 1800। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 1800 किलोमीटर में है, ध्यान रखना। ये गिवन है, ये गिवन है, हाइपो निकालना है, तो अगेन यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। कर लोगे ये भी कंप्लीट? नाउ द नेक्स्ट वन, ये वाले सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको पता है कि बन रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। दो पोल्स हमें गिवन है, एक की हाइट 6 मीटर है, एक की हाइट 11 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। दो पोल्स की हाइट गिवन है अलग अलग, तो एक की हाइट हमें 6 मीटर गिवन है, दूसरे की हाइट हमें 11 मीटर है। एंड दे आर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। दिस डिस्टेंस वी आर टू फाइंड आउट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या आएगा अब हमारे पास? ये 12 है, तो ये भी 12 आ जाएगा, क्योंकि पोल जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना के ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये लाइंस आपकी पैरेलल हो गई, ये लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज एक्टिंग नहीं, ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं, 90-90 का एंगल बन रहा है। तो क्या करोगे? ये 12 कैसे लिया, ये पैरेलल और इक्वल कैसे ली, बनाया ना, कैसे बना? ये दोनों साइड पैरेलल है, ये एंगल्स 90 डिग्री है, तो जब आप इसके भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे ये 12 है, तो ये भी 12 हो गया। अब ये टोटल 11 है, ये 6 है, ये भी साइड इतनी 6 हो गई, तो ये कितनी रह गई? 5। तो आपको ये निकाल, 12 और 5 पे आपको पता है कि जो ट्रिपलेट बनाते हो दैट इज 13, सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। ट्राइंगल गिवन है हमें ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। अब इसमें हमें गिवन है डी एंड ई आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली
ऑन द साइड्स सी ए, सी ए पे आपका पॉइंट डी है, बी सी पे आपका पॉइंट ई है, एंड वी आर टू प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. जो जो स्क्वायर्स लेने हैं उनको ज्वाइन कर दो. ए ई का स्क्वायर है, देन बी डी का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास ज्वाइंट है वो, और डी ई स्क्वायर है, तो ये सारे हमने ज्वाइन कर दिए. अब हमें प्रूव क्या करना है, ए ई प्लस बी डी इनके स्क्वायर्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर. क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ लगाओगे, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेके चलोगे? ए ई स्क्वायर के लिए ट्राइंगल कौन सा लेके चलोगे, ए सी ई. क्या लगेगा यहाँ पे, नेक्स्ट नेक्स्ट. अच्छा इनको ऐड किया, ओके. ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड अब हमें कन्वर्ट करनी है. राइट हैंड में चेक करो मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, और दूसरा क्या है, डी ई स्क्वायर किसके इक्वल है, आप बताओ. अरे इसको और इसको लोगे तो ए बी स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, इसको और इसको लोगे तो डी ई स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा. तो सिंपल था आपका, चार ट्राइंगल, चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड आपकी ऑटोमेटिकली आ गई. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. चले अगले पे, समझ आ गया जी. हाँ जी भेजने हैं आज भी, आज टुडे आ गए. जिसको अपने कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है वो देख ले. किसकी, मेरी राइटिंग, मैं तभी तो भेज रही हूँ, मैं भेज रही हूँ. नथिंग, जस्ट डू द प्रैक्टिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. टर्म टू ऐसे नहीं होगी, टर्म टू में वी आर हैविंग सब्जेक्टिव्स. चलें अगले पे बेटे, क्वेश्चन नंबर 14. या आप बोल लो या मैं बोल लूं. द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज 3 टाइम्स डी सी. प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. कर दू इरेज, जसलीन हो गया नोट डाउन. हमें गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हमने ए से साइड बी सी पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड दिस इज इन सच अ वे दैट डी बी इज 3 टाइम्स सी डी. तो अगर मैं सी डी को एक्स मान लेती हूँ तो डी बी कितनी आ जाएगी, थ्राइस ऑफ एक्स. अब मैंने यहाँ क्या मिस्टेक की है, की है कोई मिस्टेक? क्या, हाँ तो फिर क्या करें, डी बी इज थ्राइस ऑफ सी डी. तो सी डी को अगर हम एक्स मानते हैं, यहाँ ये थ्री एक्स बन गया, ये क्या है
इज इट करेक्ट और गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या किया, चलो डीबी को एक्स मान लो तो सीडी थ्री एक्स हो जाएगा। अब इधर बताओ क्या लेंगे, बताओ आप पहले क्या था? वाई ले लो। हाँ जी ठीक है, गिवन है बुक में। ओके दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी, और क्या गिवन है? अब उधर बताओ। सी डी को मैंने एक्स माना तो डी बी क्या हो जाएगा? फिगर गलत थी। यस अब क्या गिवन है हमें, प्रूफ करना है हमने ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन कौन से राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्योंकि स्क्वायर हम लेके चल रहे हैं, बताओ इनमें। ए डी सी एंड ए डी बी, चलो लगाओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्यों आएगा? प्रूफ क्या करने? हाँ जी क्या ए बी ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस कैसे लगेगी? वो हमें राइट ट्राइंगल थोड़ा गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ये भी गिवन है ना, इसको यूज करेंगे हम। अब बताओ क्या आएगा, क्या यहां से ए सी एंड ए बी आर ऑन डिफरेंट साइड्स और बी सी है साथ में, ठीक है, और क्या चीज यहाँ पे हमारी सेम आ रही है जो वो यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए डी इलिमिनेट हो जाएगा, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? ये दोनों कैंसल आउट हो गए, सब्ट्रैक्ट किया हमने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू था ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर था हमारे पास दैट वाज ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसल आउट हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप बताइए किसकी? अच्छा जी ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी एक्स है और बी डी क्या है, ये ठीक है, क्या गलती है, ये आ गया। चलो अब किसको, अच्छा हमने ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहाँ? अरे इसको अगर मैं रीराइट करूं, ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और इधर क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन ले लोगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एट एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे? हाँ टोटल क्या बन रहा है, ये बी सी कितना बन रहा है टोटल, फोर एक्स, तो वहां पे हमें क्या चाहिए,
बी सी का स्क्वायर करने के लिए व्हाट वी नीड, ये 4x है टोटल, व्हाट विल बी बी सी स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, यानी कि क्या लोगे, व्हाट इट, तो यही चीज हमने शो करनी। नहीं मुझे 8 चाहिए ना यहाँ पे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगी तभी यहाँ 8x स्क्वायर आएगा ना, एक साइड डिवाइड करूंगी तो मैं अपने पास से स्टेटमेंट नहीं चेंज कर सकते इसलिए, या आप ऐसे कर लो, यहाँ तक समझ आ गए, इससे आगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मेरे पास क्या है, दैट इज 16x स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्लियर, क्या आ गया ये 2ab square minus 2ac square is equal to 16x square. 16x square को किससे रिप्लेस करोगे, bc square से, so this is 2ab square minus 2ac square को आप इधर ले आओगे तो प्लस 2ac square, और यही चीज हमें प्रूव करनी है। क्लियर है, दोबारा देखो हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये वाला ट्राइंगल लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक नजर आपने जो प्रूव करना है हमेशा उस पे रखो, हमने प्रूव करना था 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर एंड bc स्क्वायर, ये ab ये ac ये ab ये ac ये bc, यानी कि ad is missing, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ad एलिमिनेट हो गया आपका, हमारे पास रह गया ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इक्वल टू cd स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर, CD को हमने x मानना था तो CD स्क्वायर क्या हो गया आपका x स्क्वायर, BD हमें 3x आया था उसको मान के, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन था, सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज माइनस 8x स्क्वायर, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने थ्रू आउट माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, BC ओवरऑल हमारे पास 4x था तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 16x स्क्वायर, इस 8x स्क्वायर को 16 बनाने के लिए ताकि हम BC से रिप्लेस कर सके BC स्क्वायर से, हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यूक्लिड एक्सियम लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इक्वल्स को आप इक्वल्स से मल्टीप्लाई करते हो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इक्वल्स रहेंगे, तो ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और माइनस वाले को इधर ले आओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हाँ रिजल्ट कर लेंगे डायरेक्ट, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी, अब यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आप कैसे याद करोगे, ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको एक पॉइंट डी गिवन है सच दैट बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, इधर 1 पार्ट है, इधर कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, और हमें जो है प्रूव करना है 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर, यानी कि अगर आप इनका रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, जब आपको इसकी रेशियो 1:3 गिवन है तो ए डी जो है इसका 9 टाइम्स विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर, वैसे हमने अगर इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्राइंगल लेके करेंगे, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो यू कैन डायरेक्टली टेक द रिजल्ट, सिंपल सा रिजल्ट है, आप इसको कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन अगेन, इसमें भी In an equilateral triangle, 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude. इसका भी direct result करोगे। आपको अब again क्या given है? यहाँ पे equilateral triangle given है। Equilateral triangle में अगर हम altitude draw करते हैं, let us suppose कि मैंने altitude ले लिया AD। अब यहाँ पे जो आपका result use हो रहा है, that is कि अगर आप कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, तीनों में से
किसी भी साइड का जो आपका स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, यानी कि 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए सी स्क्वायर, इनमें से कोई एक साइड आप ले सकते हो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड स्क्वायर। किसी भी साइड पे एल्टीट्यूड हो सकता है, ए डी बी ई सी एफ किसी भी साइड पे हो सकता है, तो 4 टाइम्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द साइड स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट करोगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इन ट्राइंगल एबीसी, एबी इज 6√3, एसी इज 12, बीसी इज 6, द एंगल बी इज, कैसे फाइंड आउट करोगे? 90 आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है ये, तो दैट विल बी 90 डिग्री। सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर, रिजल्ट्स ओनली। ऑप्शनल के भी यू विल डू द रिजल्ट्स ओनली। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? टाइम क्या है अभी? अभी है टाइम, कोई बात नहीं, ये एक बार रिजल्ट्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.6 से ऑप्शनल में से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, सो यू आर टू डू दीज क्वेश्चंस आल्सो। इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, पर आ जाते हैं आए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज मैं छुड़वा देती, मेरा तो सिलेबस फिर ओवर था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, प्रूव दैट QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ये आपने थ्योरम की हुई है, इफ यू रिमेंबर, अगर हमें इस एंगल का, हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो इस वाले एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन साइड्स और इन साइड्स को, जिनका वो एंगल बाइसेक्टर है, प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि उनका रेशियो जो है वो सेम होता है। इट मींस क्यू एस अपॉन एस आर विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। आई थिंक 9th में की हुई है, आपने इस फॉर्म में की थी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो इसको 1:1 में डिवाइड करता है, इफ यू रिमेम्बर दैट, 1:1 में। हाँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट आ जाता है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। सेम में अगर आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, आइसोसेलेस जो आपकी साइड्स सेम साइड्स होती हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है, अगर आप वहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ऑपोजिट साइड पे वो मिड पॉइंट बनता है। अब पी क्यू और पी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल में इन दोनों को इक्वल ले लोगे, ये सेम आपका क्वेश्चन ये वाला ऐसे कन्वर्ट होके आ सकता है, तो यू शुड नो द रिजल्ट। ये दोनों सेम हो गए तो क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, इट मीन्स एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल में किसी एक एंगल का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो जिस साइड्स के बीच में वो एंगल है उनका रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो जहां पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, तो क्यू एस अपॉन एस आर, और सेम अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच में आ गया तो दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ द गिवन साइड। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, D is the point on the hypo of AC of a triangle ABC such that BD is perpendicular to AC and DM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to AB. Prove that DM square is equal to DN dot MC, DN square is equal to DM dot AN. कैसे करोगे इसको? Squares is equal to product given है तो
फर्स्ट पार्ट डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन डॉट एमसी. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम. हाँ क्या क्या करें एनओ डी ओके इज इक्वल टू हाँ आप बताओ हाँ जी डीएम अपॉन पहले ये देखो फिगर समझ लो. हमने बी से डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हमने क्या किया हुआ है जब हम 90 डिग्री से कल आई थिंक किया था यहां से जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स यानी कि बी सी डी एंड बी ए डी बोथ ऑफ दीज विल बी सिमिलर. ठीक है अब हमने क्या किया यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये फिगर क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा. अगेन हमने जो है स्क्वायर का ये डायगनल लिया तो डायगनल क्या करता है इसको इनटू इक्वल पार्ट्स तो ये और ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो अब ये पार्ट और ये पार्ट आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ये फुल और ये वाला और ये वाला ये दोनों बड़े वाले भी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या करोगे है ही है ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्यों कौन सा ये एंगल 90 है 90 से अपोजिट इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ. इस वाले ट्राइंगल में दिस इज अगेन 90 यहाँ से फिर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे. ठीक है यानी कि ये छोटो छोटे वाले तीनों सिमिलर हैं और ये वाला और ये वाला हाँ जी ये भी सिमिलर हैं चारों के चारों सिमिलर हो गए. तो अब आपने साइड से प्रोपोर्शनल करके रिजल्ट्स प्रूव कर ले कर लोगे आप देखो बताओ यहाँ से और कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे चारों को हम ऑलरेडी सिमिलर कर चुके हैं तो उनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल. सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेना. थर्ड वाले का भी अगेन रिजल्ट गिवन है. फिगर एबीसी ट्राइंगल है जिसमें आपको ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड गिवन है. एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड देन वी आर गिवन दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू सीबी. प्रूफ दैट एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी डॉट बीडी. तो दिस रिजल्ट अगेन यू आर टू डू. और अगर एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है उसमें आपका जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो वो बीच में बनता है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस बाकी सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो. 3 में एंगल एबीसी आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो प्लस का साइन आया. फोर्थ क्वेश्चन में एंगल एबीसी लेस देन 90 डिग्री है तो माइनस का साइन आएगा. यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्वाइस ऑफ बीसी डॉट बीडी एड करोगे और एक्यूट के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एडी मीडियन गिवन है ट्राइंगल एबीसी का एंड एएम इज परपेंडिकुलर छुड़वा दूं
बेल नहीं होती जब तक, तो कर लो उतना ही इसके फिर क्वेश्चंस हम एमसीक्यू फॉर्म रिवीजन कर पाएंगे। हाँ जी ठीक है जी, एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा में आज से भेज रही हूँ इस चैप्टर के भी, इस चैप्टर के रोज 5 क्वेश्चंस सेंड करूंगी। क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, क्लास में सिर्फ जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो मैं एक्स्ट्रा भेजूंगी 5-5 क्वेश्चंस डेली आई विल सेंड, उनमें से जो डाउट होगा वो क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज किसी और चैप्टर की रिविजन करें। किसका? आई एम नॉट हैविंग द बुक। हाँ हाँ वो करवा देंगे।